हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू रिव्यू। सो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए होंडा सिविक का रिव्यू लेके आया हूँ जो कि 2005 मॉडल है। क्यों उधर ही खड़ा है, बस इधर खड़ा हो गया। चल हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एंड ये VTI ओरियल वेरियंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें तीन वेरियंट आते हैं, एक EXI आता है, एक VTI आता है और एक VTI ओरियल। VTI ओरियल में जस्ट सनरूफ आता है और इसमें जो इंजन है वो D16 आता है कंपनी की तरफ से, लेकिन इसमें इंजन स्वैप हुआ हुआ है D17 का जो कि 1700 cc होता है और उसकी हॉर्स पावर भी मतलब जो स्टॉक इंजन आता है उससे काफ़ी ज़्यादा आती है। और EXI में और VTI और इन जो तीन वेरियंट्स बताए इनमें कोई शेप का कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ एक सनरूफ की एडिशन होती है VTI ओरियल में और गेयर्स के ट्रांसमिशन का फ़र्क होता है। और VTI ओरियल में ऑटोमेटिक गेयर्स आते हैं और मैनुअल्स भी उसके साथ गेज आते हैं कंपनी की तरफ से। ओके सिल्वर, सभी हम आपको इसके इंजन के बारे में बताते चले। पहले मैं इंजन आपको दिखाता हूँ। खुल जा सिमसन, खुल जा सिमसन, खुलने का नाम ही नहीं। तो व्यूअर्स, इस इंजन की आवाज आपको सुनाना चाहूँ। म्यूजिक, रियल म्यूजिक, दिल दिमाग का सुकून व्यूअर्स इस इंजन की साउंड में है। तो व्यूअर्स, आपको इंजन के बारे में बता दिया मैंने। अब इसके अब व्यूअर्स इसके इंटीरियर की हम बात करेंगे। तो व्यूअर्स, इसका डैशबोर्ड टू कलर की टू टोन इंटीरियर है इसका, एक बेज है और एक ब्राउन। और इसके जो है विंडो, ऑटो विंडोज हैं व्यूअर्स इसकी। और इसमें व्यूवर्स ये सनरूफ के ऑप्शंस हैं। और इसमें व्यूवर्स 4 spoke का पावर स्टेयरिंग आता है और इसके एनालॉग मीटर है जो कि बहुत ही खूबसूरत इसका मीटर दिया गया है। और इसमें 5 transmissions हैं मैनुअल और ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स। व्यूअर्स, ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये मतलब हीट अप हो जाते हैं काफ़ी जल्दी। सो इसकी भी एक वजह है, इसकी एक वजह ये है कि इनके जो इंजन होते हैं ना, इंजन स्पेस वो कम है और इंजन इसमें हैवी है, तो वो जो एयर इनटेक की जो जगह होती है ना वो लाइट के पास होती है, तो वहाँ से एयर में जाने में ज़रा मुश्किल होती है। तो इस वजह से लोग फिर इस मसले की वजह से इसका सोल्यूशन ये निकालते हैं कि इसमें D17 इंजन डालते हैं जो कि काफ़ी हैवी परफॉर्मेंस इंजन होता है। मॉडल की, इस गाड़ी की जो सबसे ख़ास बात यह कि इसमें सनरूफ है, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर ग्रैंडी में सनरूफ आता है, एल्टस में आता है जो कि काफ़ी मतलब महंगी गाड़ी है, जो कि काफ़ी महंगी गाड़ी है। और ये गाड़ी राउंड अबाउट मिल जाती है 1.3 millions, 1.3 से लेके 1.7 मिलियन तक। ये गाड़ी पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है, कंडीशन पे डिपेंड करे, उस कंडीशन के हिसाब से आपको गाड़ी उस रेट पे मिलती है। इस गाड़ी की लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस काफ़ी बेहतरीन लेग स्पेस है, मतलब इंसान इजीली खुला आराम से बैठ सकता है और पीछे भी इसकी लेग स्पेस बहुत अच्छी है। और इसके ये इसके लाइट और एक पीछे भी है। इस व्यूअर्स, ये गाड़ी परचेज की थी आज से तकरीबन कोई 2 महीने होने लगे हैं, तब परचेज की थी हमने 1.5 million के राउंड अबाउट हमने ये गाड़ी परचेज की है। और क्योंकि अब इसमें जो नॉर्मली EXI आती है वो उसकी प्राइस है 1.2 million और फिर VTI है उसके 1.3 million
और वन पॉइंट, फिर जो वी टी आई ओरियल आते हैं जिसमें सनरूफ आते हैं उसकी प्राइस होती है 1.5 to 1.6 million। और फिर मतलब गाड़ी की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, अगर फुल शोरूम कंडीशन गाड़ी हो फिर वो आपको 2-3 लाख रुपए महंगी भी मिलती है। और व्यूवर्स ये गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है ये देती है तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की, आपको शॉर्ट में मतलब शॉर्ट रूट पे आपको एवरेज देती है इन सिटी, और लॉन्ग पे अगर आप जाएं तो वो आपको मैक्सिमम 13 दे देगी, या बहुत ज़्यादा अगर हुआ आप बहुत एहतियात से प्यार से चलाएं तो आपको 14 की मैक्सिमम एवरेज दे सकती है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके व्यूअर्स, अभी मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके बताऊँगा। इसमें आते हैं ये वीटेक इंजन है ना, तो ये मैक्सिमम आप 120 की स्पीड क्रॉस करेंगे तो इसके जो वीटेक होता है वो ऑन हो जाता है, और ये फिर गाड़ी जो है काफ़ी हाई स्पीड में इसके मतलब इंजेक्टर्स, आप कहेंगे इंजेक्टर इसके ऑन हो जाते हैं जो जिसको हम वीटेक कहते हैं, तो वो ऑन होते हैं तो वो काफ़ी स्पीड आपको फिर देते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वीटेक इंजन है और इस गाड़ी को रखना भी आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको बड़ा दिल चाहिए, और जब आप मोटरवे पे जाएं तो उसके लिए आपको और भी बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि इसकी जो नीडल होगी ना फ्यूल की वो आपके सामने जब नीचे आएगी ना तो फिर आपकी धड़कनें तेज़ होंगी, और धड़कनें तेज़ हो तो ये अच्छी बात नहीं होती, सो इसलिए पहले आप अपने दिल का इलाज करवाएँ उसके बाद फिर आप लोग ये गाड़ी परचेज करें। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।